ये माताजी का एक फोटो ले ले बेटा तू, क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे ही बैठी रहो माताजी, हिलना नहीं, बिल्कुल बैठना नहीं। देवता देवलोक में आप देखो अभी कैसे बैठे हो, पालती मार के बैठे हो ना, अब हाँ मत करो माताजी, देखो थोड़ा पैर हिला दिया आपने, गड़बड़ कर दिया, जैसी बैठी थी वैसी बैठो, आपका भाग्यशाली है बेटा। जो देवता सिंहासन पर बैठे हैं कि किसी पर बैठे हैं, ये माताजी जैसे बैठी है, एक पैर को थोड़ा सा ऐसे करके, एक पैर को नीचे करके, पद्मावती भी ऐसे ही बैठती है देवलोक। जय जय गुरुदेव। वो देखो ऐसे पालटी मार के बैठी है क्या? नहीं गुरुदेव। वो कैसे बैठी है? एक पैर के दूसरे पैर के पास लगा के ऐसे बैठी है, इसको देवासन मुद्रा कहते हैं, जो देवलोक के देवता ही जानते हैं। वो बड़ी सरल भोली आत्मा है, वो उस मुद्रा में बैठी हुई है, उसका बेटा शायद वो हरा ड्रेस वाला लड़का ही है जो बेटा है, सही है बेटा? हाँ, तेरी माँ बड़ी पुण्यशाली है, देवी है, जिंदगी भर उसकी सेवा करना, अच्छी भक्ति करना, कल तेरी पत्नी कुछ बोले उसके चक्कर में मत पड़ जाना, ये साक्षात देवी है, इसकी सेवा कर तेरा कल्याण होगा। जय गुरुदेव। हाँ, कितने भोले लोग मेरे धाम आते हैं, देखो कहाँ से, राजस्थान के किसी कोने से भक्ति से आ गई, श्रद्धा से बैठी है, जब से बैठी है मैं देखता हूँ कि बराबर मेरे सामने पद्मावती आके बैठ गई है ऐसे, क्योंकि वो स्वरूप ऐसा दिख रहा है, उसका भोलापन माँ के भोलापन से मिलता है, उसका रूप माँ से मिल रहा है, वो जो बैठी है तरीका वो माँ से मिलता है। और ये पुराने लोग ही हैं जो आज तक गहने से, वस्त्र से, व्यवहार से तो लज्जा का पालन कर रहे हैं, और आज देखो क्या इसके ससुर यहाँ बैठा है तो भी आज एक घूंघट इतना रख के बैठी है, ये माँ के पास जो लज्जा है वो लज्जा ये देवी के पास है, और उम्र हो गया अभी तो कैसे बैठे तो क्या, लेकिन ये पुराने लोग आज भी बढ़िया चूड़ी पहनना, भले ही वो चूड़ी सोने की हो के हाथी दांत की हो के प्लास्टिक की, लेकिन राजस्थान में गुजरात में आप जाओगे तो आज भी आप देख सकते हो कि लोगों को अपने जीवन में सभ्यता का जो आचरण है उसको संभालने का पूरी चिंता है, और वो उस चिंता का पालन करते हैं। ये माता जी अभी बहुत देर से वैसे बैठी थी, अभी मैंने बोला थोड़ा पैर नीचे कर दी, लेकिन थोड़ा एक पैर थोड़ा ऊंचा हो, दूसरा पैर बिल्कुल जमीन में नीचे बैठा हो, और ऐसे बैठी रहती है। मैं अभी बताता हूँ, देखिए मेरे पास इसका प्रमाण है, मैं आपको बताता हूँ, प्राचीन शिल्प कला से बताता हूँ कि पद्मावती का ही फोटो बता रहा हूँ आपको, दूसरा नहीं बता रहा हूँ, पद्मावती माँ का फोटो बता रहा हूँ कि माँ कैसे बैठी है, जैसे वो बैठी है वैसी बैठी है माँ, देखिए आप देखते रह जाओगे कि माँ ऐसे ही बैठती है। ये पद्मावती का ही फोटो है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्राचीन फोटो है, देखो माता जी को ही बता जाके, सब बहनों को बता, देखा बेटा, मेरे को तो दिख नहीं रहा तू क्या दिखा रहा है, तू भी ऐसे बैठ जाना, बता बता, खुद भी देखेगा ना इसलिए वो देख रहा, थोड़ा और क्लोजअप कर बेटा, हाँ देखो कृष्णगिरी की महिमा है भाई, ये बच्चा अभी आया 19 तारीख को, आज क्या तारीख हुआ 15, हाँ आया तब इसका पेट एकदम सपाट था, कोई मेरे ख्याल से कहीं ठिकाना नहीं था, आज देखे तो धीरे धीरे 3 महीने की गर्भिणी जितना तो आया ही है, लेकिन जल्दी ही 10वां पूरा होगा इसका, ऐसे मेरा मन कह रहा है कि ये है कृष्णगिरी की लीला, जहाँ रसगुल्ला लोगों को कर देता 3रे महीने का गर्भ, हाँ रसगुल्ले खा खा के क्या हो रहा, देखो देखो बहनों ऐसी बैठी है वो माता जी, ऐसे ही बैठी पद्मावती बैठती है ऐसे, देखो आप लोग जरूर करना है, अद्भुत रूप से करना है, करवाई धीरे से दिखा, ऐसे जाता ही रहेगा, किसी एक को तो भी ढंग से दिखा दे, यूं ही फ्लाइट से दिखाएगा तो किसी के काम नहीं आएंगे, है ना माता जी, आपने देखा आप वैसे ही बैठती हो, देखो ऐसे ही बैठना, माँ ऐसे बैठती है, इन औरतों को पता ही नहीं है, ये सभी देखो ये माँ के जैसे बैठने के लिए भी माँ की कृपा बरसनी पड़ती है, वरना कौन बैठेगा,
वो ऐसे ही बैठी थी, बहुत देर से बैठी है। हाँ बहुत देर से बैठी ऐसे ही। उनका बैठने का, पुराने लोगों का ऊट बैठ सब पुराना प्राचीन परंपरा है। वो कहीं जाके देवों से मिलता है वो परंपरा, हम सैतानों से मिली हुई परंपरा। नूडल्स खाना, मैगी खाना, स्पून से खाना। माता जी आ, तुम स्पून से खाती हो? स्पून, हाँ वो हाथ से खाती है ना माता जी। हाथ से खाएं वो देवता है, स्पून से खाएं वो सैतानों है। सैतानों को स्पून से खाना पड़ता है। किससे? स्पून से। देखो अब क्यों शैतान बोलो, स्पून से कह, स्पून से खाने से शैतान हो जाते हैं। किसी ने खाया होगा उस स्पून में, उसको लेके अपने मुंह में डालेंगे तो उसके विचार हम में घुसेंगे तो शैतान नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? आप बताओ मेरी बात। हाँ देखो माता जी, देख बेटा कैसा है, ऐसी बैठी थी माता जी। मैं धन्य हुआ ऐसी माँ को देख के जिसमें मुझे पद्मावती माँ का संस्कार और रूप दिख रहा है। और बड़े ये पुराने लोगों को देखो, उनके चेहरे में इतना भोलापन झलकता है, इतनी भोली दिखती है ये माँ, देखते ही लगे कि चरणों में गिर जाए, ऐसी भोली आत्माएं हैं। और अब औरतें ऐसी आती है ललिता पवार की तरह, आंख ऊपर ही चढ़ता है, ऐसे ही आएगी, क्या मिलेगा? हाँ तो धन्य है हमारा जीवन, ऐसे अच्छे अच्छे भक्त कृष्णगिरी आते हैं और अच्छी अच्छी भक्ति होती है, अच्छा सा आराधना होता है। धन्य हमारा, धन्य हुआ जीवन हमारा, पाकर मैया साथ तुम्हारा, ऐसे बोल के हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसी माँ को प्रणाम कर रहे हैं।